सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक एग्ज़ाम जो कि नवंबर के आसपास लेगा एंड एक एग्ज़ाम जो फरवरी एंड मार्च के आसपास लेगा। तो एंड दोनों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लगभग सेम रखा है उसने, हालांकि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन पर डिपेंड करता है कि वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा या घटेगा। हालांकि सिलेबस इसने रिलीज़ किया हुआ है, तो आइए एक नज़र में देख लें। तो ये है टर्म वन का सिलेबस, जिसमें टर्म वन में थ्योरी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे एंड वो 35 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव, चैप्टर सिक्स, चैप्टर सेवन, तो ये इसमें से टोटल 35 मार्क्स आपको देने होंगे इन नवंबर। तो इसकी प्रिपरेशन पहले कर लें। हालांकि आप ऑप्टिक्स वाले को पूरे ऑप्टिक्स जितना भी है उसको उसने टर्म टू में रखा है। तो आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं जो बुक वन में दिए हुए हैं फिजिक्स के, और वो टर्म वन में ले रहा है, तो आप इसकी प्रिपरेशन पहले करें एंड उसे इन लेटर आप उसे रन दें। एंड यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक को भी डिस्कस कर दिया हुआ है, आप देख लें कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक को इसने सीबीएसई ने रखा है, एनसीईआरटी से मिला लें एंड इसको लीव कर दिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सोशल मीडिया नेटवर्क पर कहीं भी आप उसे कॉन्टेक्ट कर लें, या तो आप सीबीएसई के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप उसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप वहाँ से आप जस्ट क्लिक करके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे चैप्टर वाइज देख लीजिए, चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, मैं धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। एंड ये हमारे प्रैक्टिकल्स के हो गए, हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एंड नेक्स्ट टर्म टू की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा टर्म टू एग्ज़ाम, जो कि आपको आई थिंक सब्जेक्टिव होगा एंड वो वाला टर्म वन है बस एमसीक्यू टाइप था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, एटॉम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड ये चैप्टर 14 जो भी है। एंड यहाँ पे ये भी आपको 35 मार्क्स है, तो टोटल हो गया 70 मार्क्स से आपको एग्जाम देना है एंड 30 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल से स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये आपको चैप्टर वाइज आपको इसका दिया हुआ है कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है एंड कौन से टॉपिक को सीबीएसई ने लेफ्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको बस जो टॉपिक है बस वही दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी से मिला लें एंड इसे ही बस प्रैक्टिस करें, उससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये सीबीएसई का सिलेबस है तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप इसे भी एक बार देख लें, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का वीडियो, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड मैथ का वीडियो हम कोशिश करेंगे जल्द ही डालने की, तो आप यहाँ से देख लें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।